हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश। फ्रेंड अभी बात करने वाला हूँ टीवीएस एंड 125 सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में, जो ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। फ्रेंड मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड एंड 125 का जो सुपर स्क्वाड एडिशन है फ्रेंड, इसके अंदर में किस तरह के पेंट स्कीम और किस तरह के जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिलने वाले है। प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो टीवीएस मोटर कंपनी है उसने अपना न्यू सुपर स्क्वाड एडिशन जो है वो ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। और फ्रेंड जो एडिशन है फ्रेंड में टोटल 3 डिफरेंट पेंट स्कीम के साथ मार्वल के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड जो ग्राफिक्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। फ्रेंड अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड सुपर स्क्वाड एडिशन है फ्रेंड इंडिया के अंदर हमें 77,865 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस से देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड ये एडिशन जो है वो मतलब हाल में जो रेस एडिशन लॉन्च हुआ था उससे हमें 2,500 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम देखने को मिलेगा। और फ्रेंड अब मैं बात करने वाला हूँ तीनों डिफरेंट पेंट स्कीम के बारे में। फ्रेंड सबसे फर्स्ट में बात करने वाला हूँ जो ब्लैक पैंथर से इंस्पायर्ड पेंट स्कीम है उसके अंदर हमें स्टील ब्लैक कलर स्कीम देखने को मिलेगा। और फ्रेंड इसके अंदर हमें जेट ब्लैक कलर के साथ हमें पर्पल एसेंट्स देखने को मिलेंगे। एवं जो सेकेंड कलर स्कीम है वो हमें आयरन मैन से इंस्पायर्ड है। और फ्रेंड इसके अंदर हमें डायनामिक रेड कलर स्कीम के साथ येलो और जो ग्रे डिकेल्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। एंड जो थर्ड कलर स्कीम है वो हमें कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड है। और फ्रेंड इसके अंदर हमें ब्लू बॉडी पैनल्स के साथ ब्लू पेंट स्कीम भी जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। फ्रेंड अब बात करने वाला हूँ कि जो सुपर स्क्वाड एडिशन है फ्रेंड इसके अंदर में किस तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि रेस एडिशन के सारे फीचर्स जो है वो हमें सुपर स्क्वाड एडिशन में भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड इसके अंदर हमें डेटा एक्सटेंसिव ब्लूटूथ इनेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड इसके अंदर में फुल LED हेडलैम्प, टेल लैम्प और लास्ट 22 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज कंपार्टमेंट भी जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। इंजन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर में इंजन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इंजन जो है वो एज इट इज़ देखने को मिलने वाला है। और फिलहाल तो स्कूटर में इतने ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब पेंट स्कीम और जो ग्राफिक्स है वही न्यू देखने को मिलेगा। बाकी स्कूटर के अंदर में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड और भी अगर आपको हमारे तरह से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।